मिनिमम डाउन पेमेंट क्या हो सकता है? वही आपको 43-44 हज़ार के आसपास में निकल जाएगा। हेलो राइडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द मोटो एक्सपीरियंस। आज हम आपके लिए लाए हैं KTM का बाइक Duke 200, और ये जो आप कलर देख रहे हो 2024 में न्यूली लॉन्च हो गई कलर आई हुई है। कलर अगर आपको हम दिखा दें करीब से, तो जो आप देख रहे हो पूरा यहाँ पे ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया गया है। जो आप ये ब्लू कलर देख रहे हो ना, 390 में ही ये कलर आपको देखने को अभी मिलता है, बट आपको Duke 200 में मिल जा रहा है, जो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे 200 लिखा गया है जो ऑरेंज कलर में, यहाँ पे पूरा आपको ब्लू का मेंशन है, ब्लैक दिया गया, जो अच्छा खासा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक पर बात किया जाए तो ये भी आपको Duke 390 वाला याद आने वाला कलर, जो आपको Duke 390 में मिलता था, अभी ये क्या है कि आपको 200 में मिल जा रहा है। उसके अलावा बात किया जाए इस बाइक का कॉर्बेट क्या है, कॉर्बेट कितना आपको हो जाता है, तो इसका कॉर्बेट आपको 159 kg का कॉर्बेट आपको देखने को मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात किया जाए तो 155 mm के इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं फाइबर में दिया गया है, और इसका पूरा आपको फ्रेमिंग मेटल में, कुछ पार्ट यहाँ पे ऑरेंज में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस बाइक अगर सीट हाइट का हम बात कर लिया जाए, तो हम बैठ कर आपको सीट हाइट दिखा देते हैं कितना मिलता है। किया जाए तो 822 mm का सीट हाइट मिल जाता है। जो मैं अपना पैर का बात किया जाए तो मेरा पैर इतना इधर भी आ रहा है और इतना इस साइड भी आ रहा है, थोड़ा सा इसका सीट हाइट ज़्यादा मिलता है, ये चीज़ तो है, बट ठीक है। अगर अच्छा राइडर हैं तो फिर आपके लिए उतना इशू तो नहीं होने वाला है। बाकी का इस बाइक में हम मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट और मिनिमम से मिनिमम क्या EMI हो सकता है, क्या पेपर रिक्वायरमेंट हो, सारा टॉपिक पर कवर करने वाले हैं, तो वीडियो तो के अंत तक का बने रहे। और इस बाइक के की से स्टार्ट करते हैं। की आपको वेव डिजाइन में मिलता है, जो नॉर्मल हर बाइक में देखिए KTM का सेमी की मिलता है। फ्रंट से इसमें लाइट ऑन होता है, जो हम आपको दिखा दें, ये जो आप देख रहे हैं DRL कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। और ये लाइट बहुत अच्छा खासा आपको दिखने को मिलेगा, इसके जो लाइट कंडीशन है अच्छा है, और लुक भी अच्छा खासा आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। उसके अलावा बात कर लें इस बाइक में, इसमें अगर इंडिकेटर की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको LED इंडिकेटर मिलता है, इसमें आपको हज़ार देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा इस बाइक के अगर फ्रंट का ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ऑरेंज है। उसके अलावा इसका व्हील कवर की बात कर लिया जाए तो ये आपको फाइबर में दिया गया है, और 43 mm का इसका सस्पेंशन मिलता है WP-APEX कंपनी का। और इसका डिस्क पैनल का बात किया जाए तो 300 mm का इसका डिस्क पैनल मिल जाता है, फाइबर का क्लैपर। और इसका रिंग का बात किया जाए तो रिंग देख रहे हो पूरा ऑरेंज में आपको देखने को मिलता है, और इसमें MRF कंपनी का टायर मिल जाता है। उसके अलावा बात कर लिया जाए जैसे इसका साइज क्या है, तो 110x70 का इसका सेक्शन मिल जाता है, और रेडियल टायर आने वाला है। उसके अलावा इस बाइक का अगर हम लेफ्ट प्रोफाइल से बात कर लें तो इसका आप इंजन वगैरह देख लें तो कुछ ऐसा रहने वाला। रियर सस्पेंशन की बात कर लिया जाए तो इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, और चैन की बात कर लिया जाए तो सिंगल चैन रहने वाला कवर में। उसके अलावा यहाँ पे आप इस सारा लुक देख लें। बाकी का टायर अगर आप देखते हैं तो रियर टायर भी आपको वाइट देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपको दिया गया 150x60। चलिए इस बाइक का रियर प्रोफाइल से हम आपको दिखा देते हैं, रियर प्रोफाइल से कैसे देखने को मिलता है। तो रियर प्रोफाइल से आप लाइट की बात किया जाए तो ये जो आप इंडिकेटर देखते हो भी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है, देख सकते हैं। और ये पूरा LED सेटअप है, टेल लाइट भी LED, यहाँ पे भी आपको लाइट देखने को मिलता है। और रियर प्रोफाइल से देख ले, इसका फेंडर बहुत वाइड है, अच्छा चीज़ है। उसके अलावा इसका राइट साइड से थोड़ा चेकआउट आपको हम करके दिखा देते हैं। तो राइट साइड से आप देख लें तो इसका रियर डिस्क जो पैनल जो आता है 220 mm का आता है, फाइबर का क्लिपर। और इसका स्विंग आर्म पूरा आपको मेटल का दिया जाता है, जो यहाँ तक आपको ज्वाइनिंग दिख रहा होगा। फुट रेस्ट वगैरह भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, अच्छा चीज़ है। और रियर ब्रेक, और यहाँ पे पूरा आपका KTM देखने को मिल जा रहा है। और इसका इंजन का बात कर लिया जाए तो इसका इंजन आपको लिक्विड में मिलता है, सिंगल सिलेंडर के साथ आता है। BHP की बात कर लिया जाए तो 24.67 का BHP मिलता है, जिसपे RPM आपको 10,000 का मिल जाता है। टर्क की बात कर लिया जाए तो 19.7 Nm का टर्क मिलता है, जिसपे RPM का बात किया जाए तो उसमें आपको 8,000 का RPM जनरेट करके Duke 200 जो 2024 में न्यू कलर के साथ आई थी। इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस ऑन रोड आप देखा जाए तो 2,33,738। चलिए बात करते हैं जैसे कि मिनिमम डाउन पेमेंट पे, जिसका सिविल मतलब बोला जाए कि ठीक है 650-670 है ना सर, उसका हिसाब से बात किया जाए कि मिनिमम डाउन पेमेंट क्या हो सकता है, बताइए सर मिनिमम डाउन पेमेंट क्या हो सकता है? वही आपको 43-44 हज़ार के आसपास में निकल जाएगा, 44 हज़ार में निकल सकता है। और बात किया जाए सर कि किसी को 48 मंथ के लिए लेना होगा 43 हज़ार के, 44 हज़ार जो डाउन पेमेंट बता रहे हैं उस पर क्या EMI प्लान बन सकता है? उसका EMI आ जाएगा आपको 5,627 रुपये। और 36 मंथ के लिए? 36 मंथ के लिए आ जाएगा 6,939 रुपये। ओके,
और 24 मंथ के लिए? 24 मंथ के लिए आ जाएगा 9555 रुपये। सर ये बात हो गया ऑन रोड प्राइस डाउन पेमेंट, अब शोरूम का डिटेल्स बता दीजिए जो पब्लिक देख रहा है वो फिर आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा। लोका शोरूम है 70 फीट बाईपास सिपारा और 70 फीट के बीच में KTM मनीषाबाद शोरूम। पेपर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा? पेपर के लिए है आपको पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का लगेगा और उसके साथ ATM से मैंडेट हो जाएगा आपका और 2 फोटोग्राफ्स घर का बिजली बिल। ऑफर के लिए कुछ? ऑफर के लिए अभी हम लोग दे रहे हैं 5 ईयर्स का वारंटी, 2 साल कंपनी देती है, 3 साल एक्सटेंडेड हम लोग करके देंगे। साल का वारंटी मतलब? हाँ, साथ में एक 1 ईयर का RSA ब्रेकडाउन सर्विस वाला भी दे देंगे। जो भी है डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में शोरूम का डाल देंगे। उसके अलावा आपको ऑफर में मेन चीज़ क्या होता है कि आपको इंजन वगैरह सर्विसिंग वो चीज़ आपको 3 साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो सबसे अच्छा चीज़ हो जाता है। उसके अलावा 1 साल का क्या बोले थे सर? 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस, कहीं भी अगर 100 किलोमीटर के अंदर में गाड़ी ब्रेक डाउन होता है तो आप टोल फ्री पे कॉल करिए, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर पहुँचा देगा। सबसे अच्छा चीज़ आपको मिल गया जो ऑफर में, ये सब रोड साइड असिस्टेंट होता है बहुत अच्छा चीज़ होता है। जो आप 100 किलोमीटर के अंदर कहीं गए ख़राब हो गया, फिर आपका टोल फ्री नंबर रहता है, फिर वहाँ पर कॉल कीजिएगा, फिर सर्विस सेंटर में आता है, फ्री में बनता है, तो एक आपका इसको प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। बाकी का जो भी है डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके थैंक यू सर। आइए हम आपको सुनाते हैं ड्यूक 200 का एग्जॉस्ट साउंड। इसका एग्जॉस्ट साउंड आप जानते हैं जो इसका एग्जॉस्ट आता है अंडर बेली आता है, और इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा सुनिए और कमेंट करके बताइए। आज हमको कवर किए हैं ड्यूक 200 जो 2024 में न्यूली कलर के साथ आया था। यहाँ तक हर वीडियो आप देख लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे मैं चैनल द मोटो एक्स में। तब तक के लिए बाय बाय।